हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या फिर लाइनेक्स में एमबी कमांड यानी कि मूव कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि मूव कमांड का क्या यूज है. तो एमबी कमांड स्टैंड्स फॉर मूव. तो एमबी कमांड का मतलब है मूव कमांड. तो दिस कमांड इज यूज टू रीनेम ए फाइल और ए डायरेक्टरी. तो इस कमांड को हम यूज करते हैं किसी फाइल या फिर किसी डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए. तो लेट सपोज यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल या फिर कोई डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उस फाइल का मुझे नाम चेंज करना है या फिर उस डायरेक्टरी का मुझे नाम चेंज करना है, तो ये दोनों काम मैं मूव कमांड को यूज करके कर सकता हूँ. तो इट इज ऑल्सो यूज टू मूव वन और मोर फाइल्स और डायरेक्टरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन यूनिक्स और लाइनेक्स. तो मूव कमांड का यूज करते हैं हम किसी एक फाइल या फिर एक से ज्यादा फाइल, किसी एक डायरेक्टरी या फिर एक से ज्यादा डायरेक्टरी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करने के लिए भी हम मूव कमांड को यूज करते हैं. तो लेट सपोज कि कोई एक फाइल है और उसे हम किसी डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं, या फिर एक से ज्यादा फाइल्स है उसे किसी डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं, या फिर कोई एक डायरेक्टरी है या फिर एक से ज्यादा डायरेक्टरी है वो हम किसी दूसरे डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं, तो ये सब काम हम मूव कमांड को यूज करके कर सकते हैं. तो आइए चलिए समझते हैं सबसे पहले कि एक फाइल और एक डायरेक्टरी को हम रीनेम कैसे कर सकते हैं. तो किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे ls. तो ls कमांड बताएगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज है. फिर हम किसी भी फाइल या किसी भी डायरेक्टरी का नाम चूज करके उस फाइल का या उस डायरेक्टरी का नाम हम चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी फाइल का नाम कैसे चेंज करेंगे. तो हम टाइप करेंगे mb स्पेस और जिस भी फाइल का नाम चेंज करना है उस फाइल का नाम देंगे, उसको ओल्ड फाइल नेम कहते हैं. और जो भी नया नाम देना है उसको न्यू फाइल नेम कहते हैं. तो नया नाम दे करके एंटर प्रेस करेंगे तो जो फाइल आपकी बनी हुई थी उस फाइल का नाम चेंज हो जाएगा. और इसके बाद हम ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि जो हमने नया नाम दिया है फाइल का उस नाम से फाइल है या नहीं है. तो हम देखेंगे कि जो हमने नया नाम दिया है उस नाम से फाइल बन जाएगी और जो उसका पुराना नाम था उस पुराने नाम से वो फाइल शो नहीं करेगी. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें किसी डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है तो हम mb कमांड को टाइप करेंगे फिर स्पेस और इसके बाद जिस भी डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है उस डायरेक्टरी का नाम टाइप करेंगे और उस डायरेक्टरी को हम नया नाम क्या देना चाहते हैं तो न्यू डायरेक्टरी नेम देंगे और एंटर प्रेस करेंगे और फिर ls कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमने नया नाम दिया है डायरेक्टरी का उसी नाम से वो डायरेक्टरी शो करेगी. उसका जो ओल्ड नेम है उस ओल्ड नेम से वो डायरेक्टरी शो नहीं करेगी. तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देख लेते हैं. तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हम किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी को रीनेम करेंगे तो सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स है. तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ब्लू कलर में जितने भी है वो सारी डायरेक्टरी है, बाकी सब के सब फाइल्स है. तो ये सारी फाइल है हमारे पास. अब हम किसी एक फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है mobile1. तो mobile1 का नाम चेंज करके हम chair1 में कर लेते हैं. तो मैं कैसे चेंज करूंगा, मैं टाइप करूंगा mb स्पेस mobile1 mobile1. ये फाइल ऑलरेडी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में है और इसका नाम
चेंज करना है मुझे चेयर वन में, तो मैं टाइप करूंगा CHAIR1 और एंटर प्रेस करूंगा, तो मोबाइल वन का नाम जो है चेंज हो गया है चेयर वन में। और अब हम ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे तो मोबाइल वन नाम की फाइल हमें नहीं दिखेगी और चेयर वन नाम की फाइल मोबाइल वन नाम की जगह पर दिखाई देगी। तो ये मैंने ls कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, तो अब आप इसमें देखेंगे कि मोबाइल वन नाम की कोई भी फाइल नहीं है, चेयर वन नाम की फाइल यहाँ पे है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो ये तो हमने देखा कि किसी फाइल का नाम कैसे चेंज करेंगे, अब देखते हैं कि किसी डायरेक्टरी का नाम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी है हमारे पास। तो ये ब्लू कलर में ये सारी की सारी डायरेक्टरी है हमारे पास, तो DIR2 नाम की एक डायरेक्टरी है, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो मैं टाइप करूंगा MB DIR2 और इसका नाम मैं दे देता हूँ DIR3, और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब DIR2 नाम से कोई भी डायरेक्टरी हमारी दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसका नाम DIR3 हो गया है। तो ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं, तो DIR2 नाम की कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, जो ब्लू कलर में है ये सारी डायरेक्टरी है। तो DIR2 नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं है और DIR3 नाम से एक डायरेक्टरी है, तो DIR2 का नाम चेंज हो करके DIR3 हो गया है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक डायरेक्टरी का नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है मूव कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। तो अब क्या करना है मुझे, एक फाइल का कंटेंट किसी दूसरे फाइल में डालना है। तो मैं क्या करूंगा, ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लूंगा कि कौन कौन सी फाइल है हमारे पास। इसके बाद लेट सपोज हमारे पास दो फाइल है, फाइल वन और फाइल टू, तो कैट कमांड को यूज करके मैं चेक कर लूंगा कि फाइल वन में क्या कंटेंट है। तो मैं टाइप करूंगा CAT स्पेस फाइल वन और एंटर प्रेस करूंगा तो ये बताएगा फाइल वन में क्या कंटेंट है। और इसके बाद CAT स्पेस फाइल टू एंटर प्रेस करूंगा तो ये बताएगा फाइल टू में क्या कंटेंट है। और इसके बाद मूव कमांड को टाइप करके MB कमांड को टाइप करके स्पेस फाइल वन स्पेस फाइल टू करके एंटर प्रेस करूंगा तो फाइल वन का कंटेंट फाइल वन में आ जाएगा। और इसके बाद कैट करके फाइल वन टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये बताएगा कि फाइल वन जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट मीन्स कि फाइल वन का कंटेंट फाइल टू में आ जाता है और फाइल वन डिलीट हो जाती है। तो फाइल वन जो है डिलीट हो जाएगी, फाइल वन के बारे में बताएगा कि ये फाइल है ही नहीं। और कैट फाइल टू करके हम चेक करेंगे कि फाइल टू में क्या है, तो ये बताएगा फाइल वन का कंटेंट जो है वो फाइल टू में आ गया है और फाइल टू का अपना कंटेंट रिमूव हो गया है। और ls कमांड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताएगा कि फाइल वन एग्जिस्ट नहीं करती है और फाइल टू जो है इस नाम से फाइल शो हो रही होगी। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल का कंटेंट दूसरे फाइल में डालेंगे। तो सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल है, कौन कौन सी फाइल है। तो ये हमने जो है ये हमारे पास सारी फाइल्स है। तो यहाँ पे जो है एक फाइल है हमारे पास फाइल वन और एक दूसरी फाइल है फाइल टू। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि फाइल वन में क्या कंटेंट है। तो कैसे चेक करेंगे, टाइप करेंगे CAT स्पेस FILE फाइल वन और एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें है गो गो गो। इसके बाद CAT FILE फाइल टू का चेक कर लेते हैं फाइल टू में क्या है, तो इसमें है हाय हाय हाय। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, फाइल वन का कंटेंट फाइल टू में डालना है। दैट मीन्स फाइल वन का कंटेंट जो है गो गो गो, ये फाइल टू में आना चाहिए, और फाइल टू का कंटेंट हाय 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 ये रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे MB FILE वन फाइल वन, FILE फाइल टू, और एंटर प्रेस करेंगे। अब क्या हुआ, फाइल वन का जो कंटेंट है गो गो गो, 3 टाइम्स जो गो आ रहा है वो फाइल टू में चला जाएगा, और फाइल टू का जो हाय हाय है 3 टाइम्स वो रिमूव हो जाएगा, और फाइल वन भी रिमूव हो जाएगी। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं फाइल वन में क्या कंटेंट है और फाइल टू में क्या कंटेंट है। तो हम टाइप करेंगे CAT FILE फाइल वन और एंटर प्रेस करेंगे। तो फाइल वन ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि फाइल वन का कंटेंट अब फाइल टू में आ गया। और जब किसी फाइल का कंटेंट दूसरे फाइल में मूव करते हैं तो पहली फाइल रिमूव हो जाती है। तो फाइल वन रिमूव हो गई है, फाइल वन अब है ही नहीं। अब फाइल टू में देख लेते हैं क्या है, तो कैट फाइल टू एंटर करते हैं। तो फाइल टू में इसका अपना कंटेंट जो था वो हाई 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 3 टाइम्स था, वो तो रिमूव हो गया, और इस फाइल टू में फाइल वन का कंटेंट गो 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 जो 3 टाइम्स आ रहा था वो गो 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 3 टाइम्स फाइल टू में आ गया है। अब हम ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि फाइल वन है या नहीं है, फाइल टू है या नहीं है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो इसमें फाइल वन कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि फाइल वन रिमूव हो गई है, और फाइल टू है हमारे पास emp.csv जो रेड कलर में है, उसके नीचे emp.dat है, और उसके नीचे फाइल टू, ये जो फाइल है जिसमें हमने फाइल वन का कंटेंट मूव किया था, तो ये फाइल टू एग्जिस्ट कर रही है और फाइल वन रिमूव हो गई है। तो क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है मूव ऑल फाइल्स हैविंग सेम टाइप ऑफ एक्सटेंशन टू ए डायरेक्टरी। तो अब हमें क्या करना है कि एक डायरेक्टरी है और वो डायरेक्टरी एम्प्टी है, उस डायरेक्टरी में मुझे सेम टाइप वाले एक्सटेंशन वाली जो फाइल है, मान लीजिए कि एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन है .txt, तो .txt वाली जितनी भी फाइल्स है उन सारी फाइल्स को मुझे एक एम्प्टी डायरेक्टरी में मूव करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले टाइप करूँगा ls। ls कमांड बताएगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है आपके पास, कौन कौन सी फाइल्स है आपके पास। इसके बाद एक खाली डायरेक्टरी में, एक एम्प्टी डायरेक्टरी में मैं घुस जाऊंगा cd कमांड से। तो cd कमांड से एक एम्प्टी डायरेक्टरी में मैं घुस जाऊंगा, और इसके बाद pwd कमांड, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड, या फिर इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ये कमांड बताएगा कि आप करंटली किस डायरेक्टरी में हो। तो pwd कमांड से हम चेक कर लेंगे कि जो भी जिस भी डायरेक्टरी में हम जाना चाहते थे उस डायरेक्टरी में अभी है या नहीं है। और इसके बाद ls कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताएगा कि जिस डायरेक्टरी में आप करंटली हो उस डायरेक्टरी में कोई फाइल है या नहीं है। तो ls कमांड बताएगा अगर उसमें कोई फाइल होगी तो ls कमांड डिस्प्ले करेगा कि ये फाइल्स उसके अंदर है। तो वो फाइल एम्प्टी है तो उसमें नहीं बताएगा कुछ भी, मतलब एम्प्टी फाइल है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसके बाद उस डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए, डायरेक्ट करंट डायरेक्टरी में आने के लिए या होम डायरेक्टरी में आने के लिए हम टाइप करेंगे cd स्पेस, और ये वाला साइन आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड पे
एस्केप बटन लेफ्ट में सबसे टॉप पे जो एस्केप बटन है उसके नीचे साइन है, तो शिफ्ट के साथ उसके नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाला साइन आएगा। इसको एंटर प्रेस करते ही हम डायरेक्टरी से बाहर निकल जाएंगे और अपने होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। यानी कि जब हम यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करते हैं तो किसी ना किसी डायरेक्टरी में आ जाते हैं, तो उसे करंट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो सीडी स्पेस और ये वाले साइन से हम डायरेक्ट अपने करंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे और इसके बाद मूव कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो टाइप करेंगे एमबी और stdio.txt का मतलब है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में .txt नाम की जितनी भी फाइल्स है वो सारी फाइल्स। तो मूव स्पेस stdio.txt ये टाइप करके एब्सोल्यूट पाथ ऑफ ए डायरेक्टरी, एब्सोल्यूट पाथ ऑफ डायरेक्टरी डालेंगे। दैट मीन्स कि जो यूनिक्स के रूट से लेकर के करेंटली हम जिस भी डायरेक्टरी में होते हैं तो रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी तक का जो पाथ होता है उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। तो रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी तक का पाथ दे करके और उसके बाद जो भी खाली एम्प्टी डायरेक्टरी थी जिस डायरेक्टरी में अभी हम गए थे उस डायरेक्टरी का नाम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो astric.txt नाम की जितनी भी फाइल्स होगी वो सारी फाइल्स उस डायरेक्टरी में आ जाएगी और इसके बाद cd करके उस डायरेक्टरी में घुस जाएंगे और pwd से हम चेक कर लेंगे कि उस डायरेक्टरी में आए हैं या नहीं आए हैं। इसके बाद ls कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताएगा कि उस डायरेक्टरी में .txt नाम की सारी फाइल आ गई है। और सीडी ये वाला साइन दे करके एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम अपने करंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे और ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि हम करंट डायरेक्टरी में हमारी सारी फाइल्स शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं तो ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो सारी फाइल्स जिसका डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन है उसको एक डायरेक्टरी में डालेंगे। तो सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है। तो ये मैंने फाइल को डिस्प्ले करवा लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्टरी है वो ब्लू कलर में है, बाकी सारे फाइल्स है। तो dir1 नाम की एक डायरेक्टरी है जो एम्प्टी डायरेक्टरी है। इसको अभी चेक भी करेंगे कि ये एम्प्टी है या नहीं है। बाकी इसमें jite.txt नाम की एक फाइल है, ram.txt नाम की एक फाइल है। तो .txt वाले जितने भी फाइल्स है इसको dir1 नाम की डायरेक्टरी में मुझे डालना है। तो सबसे पहले मैं dir1 नाम की डायरेक्टरी में जा करके चेक करूंगा कि इस डायरेक्टरी में कोई फाइल तो नहीं पड़ी हुई है। तो मैं टाइप करूंगा cd dir1 और एंटर। अब pwd कमांड है, इससे मैं चेक कर लूंगा कि dir1 नाम की डायरेक्टरी में मैं हूं या नहीं हूं। तो एंटर प्रेस करूंगा तो ये बताएगा /home/anil/dir1, इसका मतलब अभी आप dir1 नाम की डायरेक्टरी में हो। इसके बाद इसमें मैं चेक करूंगा कि इसमें कोई फाइल तो नहीं है, तो ls कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि dir1 नाम की डायरेक्टरी में अभी कुछ भी नहीं है। अब मुझे dir1 नाम की डायरेक्टरी से सीधे बाहर आना है। तो cd स्पेस और ये वाला साइन और एंटर प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट जो है मैं अपने होम डायरेक्टरी में आ गया। तो pwd कमांड से चेक कर लेते हैं तो /home/anil, अभी मैं करेंटली अपने होम डायरेक्टरी हूँ। दैट मीन्स कि जब मैंने इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब मैंने लॉग इन किया था तो लॉग इन करते ही मैं किसी न किसी डायरेक्टरी में आ गया था, तो उसी को करंट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो pwd कमांड यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने होम डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी में अब आ गए हो।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे DIR1 नाम की डायरेक्टरी जो है, जिसे मैंने अभी चेक किया था, जिसमें कोई भी फाइल नहीं थी, उस DIR1 नाम की डायरेक्टरी में मुझे .txt नाम की जितनी भी फाइल है उसको मूव करना है। तो मैं टाइप करूंगा MB स्पेस और इसके बाद एस्ट्रिक .txt और इसके बाद मैं एब्सोल्यूट पाथ दूंगा। तो एब्सोल्यूट पाथ करंट डायरेक्टरी को बोलते हैं, होम डायरेक्टरी को बोलते हैं। तो स्लैश होम अनिल, ये एब्सोल्यूट पाथ है और इस पाथ पर मैं DIR1, ये हमारी एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसको रख करके एंटर प्रेस करूंगा। तो .txt नाम की जितनी भी फाइल होगी वो DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ जाएगी। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो .txt नाम की सारी फाइल DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गई है। अब मुझे चेक करना है, तो कैसे चेक करूंगा, CD स्पेस DIR1। अब मैं DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गया, तो PWD कमांड से चेक कर लेते हैं। तो होम स्लैश अनिल स्लैश DIR1 का मतलब है कि आप DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गए हो। अब यहाँ से मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये बताएगा कि DIR1 नाम की डायरेक्टरी में डॉट डॉट txt नाम की सारी फाइल आ गई है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो दो ही फाइल थी हमारे पास, डॉट txt नाम की, जीते डॉट txt, राम डॉट txt। तो ये दोनों फाइल हमारी DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गई है। अब मुझे इस डायरेक्टरी से डायरेक्ट मुझे होम डायरेक्टरी में या करंट डायरेक्टरी में आना है। तो मैं टाइप करूंगा CD स्पेस और ये होम डायरेक्टरी का साइन और एंटर प्रेस करूंगा। तो सीधे मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया। PWD कमांड से चेक कर लेंगे तो स्लैश होम स्लैश अनिल का मतलब है कि हम सीधे होम डायरेक्टरी में आ गए। और ls कमांड से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी सारी फाइल शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी फाइल्स शो हो रही है, तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा मूव मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज टू ए डायरेक्टरी। अब जो है हम मल्टीपल फाइल्स या फिर मल्टीपल डायरेक्टरीज को किसी एक डायरेक्टरी में भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइप करना है ls। ls कमांड बताएगा कि कौन कौन सी फाइल्स है आपके पास। इसके बाद एक डायरेक्टरी का नाम चूज करेंगे और cd कमांड से उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे और pwd कमांड से चेक कर लेंगे कि उस डायरेक्टरी में है या नहीं है। और इसके बाद ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि उसमें कौन कौन सी फाइल है। और इसके बाद फिर होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, cd स्पेस होम डायरेक्टरी का साइन टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो अपने होम डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। और फिर ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन सी डायरेक्टरी है। और इसके बाद अगर हमें फाइल्स को मूव करना है तो फाइल वन फाइल टू कोई भी दो फाइल तीन फाइल चार फाइल ले करके हम जो है mb कमांड को टाइप करेंगे स्पेस और इसके बाद कोई भी एक दो तीन चार फाइल का नाम दे करके और इसके बाद जिस डायरेक्टरी में हमें ये फाइल्स भेजनी है उस डायरेक्टरी का नाम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी फाइल्स उस डायरेक्टरी में आ जाएगी। और इसी तरीके से लेट सपोज हमें एक से ज़्यादा डायरेक्टरी को किसी डायरेक्टरी में भेजना है तो हम टाइप करेंगे mb स्पेस डायरेक्टरी वन डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी थ्री, जितनी भी डायरेक्टरी का नाम देना है वो दे करके और इसके बाद लास्ट में जिस डायरेक्टरी का नाम देंगे तो वो सारी डायरेक्टरी उस डायरेक्टरी में जा करके मूव हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली हम यही देखेंगे कि फाइल वन और फाइल टू या एक से ज़्यादा फाइल को एक डायरेक्टरी में कैसे मूव करेंगे। और किसी डायरेक्टरी एक से ज़्यादा डायरेक्टरी को अगर मूव करना है किसी डायरेक्टरी का किसी डायरेक्टरी में तो सेम इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से किसी फाइल को हम किसी डायरेक्टरी में
मूव करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा फाइल को हम किसी डायरेक्टरी में कैसे मूव करते हैं। तो फाइनली जो है एमवी कमांड को टाइप करके एक या एक से ज़्यादा फाइल का नाम दे करके फिर लास्ट में डायरेक्टरी का नाम देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी फाइल्स उस डायरेक्टरी में आ जाएगी। और इसके बाद फिर उस डायरेक्टरी में घुस करके सीडी स्पेस DIR1 करके उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे और फिर ls कमांड को एग्जीक्यूट करके हम चेक कर लेंगे कि जो भी फाइल्स हमने मूव करना चाहा है वो सारी फाइल्स उस डायरेक्टरी में आई है या नहीं आई है। और फिर वापस अपने करंट डायरेक्टरी में आने के लिए सीडी स्पेस होम डायरेक्टरी का साइन एंटर करेंगे तो वापस अपने करंट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। और इसके बाद ls कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से वही आपके करंट डायरेक्टरी की सारी फाइल्स को ये शो करेगा। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल डायरेक्टरीज को एक डायरेक्टरी में मूव करेंगे, बट यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल्स को एक डायरेक्टरी में मूव करेंगे। और जिस तरीके से हम मल्टीपल फाइल्स को एक डायरेक्टरी में मूव करेंगे सेम वही स्टेप्स को फॉलो करके हम मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी किसी डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ब्लू कलर में हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरी है, बाकी सब फाइल्स है। तो एक डायरेक्टरी हम DIR3 ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि DIR3 में क्या है। तो इसमें जाने के लिए हम टाइप करेंगे CD DIR3 और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब जो है हम DIR3 में आ गए। तो कैसे चेक करेंगे कि हम DIR3 नाम की डायरेक्टरी में है, तो टाइप करेंगे PWD, ये बताएगा कि आप किस डायरेक्टरी में हो। तो /home/anil/DIR3 का मतलब है कि अभी आप DIR3 नाम की डायरेक्टरी में हो। इसके बाद ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सी फाइल है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर लिया, तो इसमें एक डायरेक्टरी है अभी सब DIR1। तो ये एक डायरेक्टरी है और अब जो है मुझे इस DIR3 नाम की डायरेक्टरी से मुझे डायरेक्ट अपने करंट डायरेक्टरी में आना है। तो मैं टाइप करूंगा सीडी स्पेस और शिफ्ट के साथ ये वाला साइन, ये वाला साइन आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड पे एस्केप बटन के नीचे। एंटर प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट अपने होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। PWD कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताएगा /home/anil, यानी कि अभी आप अपने करंट डायरेक्टरी में हो, होम डायरेक्टरी में हो। दैट मीन्स जब हम यूनिक्स या लाइनेक्स पे फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं तो हम किसी ना किसी डायरेक्टरी में आ जाते हैं, तो उसको करंट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो हम उसी करंट या होम डायरेक्टरी में आ गए हैं। और अब मुझे क्या करना है कि अब एक से ज्यादा फाइल्स को मुझे DIR3 नाम की डायरेक्टरी में भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइप करूंगा MB और दो फाइल ले लेते हैं, कोई भी दो फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो फाइल ले लेते हैं हम file2 और दूसरी फाइल हम ले लेते हैं रमेश। इन दोनों फाइल को हमें भेजना है DIR3 में। तो हम टाइप करेंगे file2, इस वाली फाइल को मुझे DIR3 में भेजना है। इसके बाद रमेश, इस वाली फाइल को भी मुझे DIR3 में भेजना है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी फाइल्स ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दो ही फाइल्स लिए हैं। और अगर आप डायरेक्टरी को ही डायरेक्टरी में भेजना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो file2 की जगह पे हम किसी डायरेक्टरी का नाम ले सकते हैं, रमेश की जगह पे हम किसी दूसरी डायरेक्टरी का नाम ले सकते हैं। और इसके बाद किसी डायरेक्टरी का नाम देंगे तो वो दोनों डायरेक्टरी उस डायरेक्टरी में चली जाएगी। यहाँ पे मुझे file2 और रमेश, ये दोनों फाइल्स मुझे DIR3 में भेजना है।
इस वाले डायरेक्टरी में भेजना है तो मैं टाइप करूंगा dir3 और एंटर प्रेस करूंगा। तो फाइल 2 और रमेश, ये दोनों ही फाइल मेरी dir3 नाम की डायरेक्टरी में चली गई है। अब मैं चेक कैसे करूंगा कि dir3 में ये दोनों फाइल आई है या नहीं आई है। तो मैं dir3 में जाऊंगा, cd स्पेस dir3 और एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि dir3 में हम है या नहीं है, तो pwd कमांड से चेक कर लेंगे। तो अभी हम स्लैश होम स्लैश अनिल स्लैश dir3 का मतलब है कि हम dir3 में आ गए हैं। अब यहाँ से ls कमांड को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये बताएगा कि dir3 में फाइल 2 और रमेश नाम की ये दोनों फाइल है, और dir3 में एक सब dir1 जो पहले ही एक डायरेक्टरी थी उसको भी ये शो करेगा। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो फाइल 2 और रमेश ये दोनों फाइल मैंने dir3 में मूव की थी तो ये दोनों ही फाइल आ गई, और सब dir1 डायरेक्टरी, सब dir1 जो ये डायरेक्टरी है ये ऑलरेडी dir3 में पड़ी हुई थी। तो अब जो है मुझे dir3 वाली डायरेक्टरी से मुझे डायरेक्ट अपने करंट डायरेक्टरी में आना है, तो टाइप करना है मुझे cd और होम डायरेक्टरी का साइन और एंटर। तो अब मैं डायरेक्ट अपने करंट डायरेक्टरी में आ गया। pwd कमांड से हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये स्लैश होम स्लैश अनिल का मतलब है कि अभी आप करंट डायरेक्टरी में आ गए हो, और ls कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी फाइल्स को भी शो करेगा। तो ये हमने देखा कि मल्टीपल फाइल्स को हम एक डायरेक्टरी में कैसे मूव करेंगे। सेम यही स्टेप्स फॉलो करके हम मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी किसी डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से। तो ये था हमारा मूव कमांड के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।